नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों और जानने वालों, जावा फॉर स्कूल चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट से एक प्रोग्राम बनाना और बताऊंगा जो बहुत कॉमन है और जनरली ये प्रोग्राम बच्चे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। जो हमारे पास नंबर एक यूजर से इनपुट लेना है और उसे चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो इवन और ऑड को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो इसका लॉजिक हम ये समझ लें कि इवन और ऑड होते क्या हैं। नंबर इवन वो होता है जो टू से डिवाइड हो जाए और जो टू से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड होता है। हम कंप्यूटर को कैसे लॉजिक प्रोवाइड करेंगे कि वो ये जान जाए कि ये टू से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसमें होता है एक मॉडुलस मॉड, जिसे हम इस परसेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम मॉड या मॉडुलस नाम से जानते हैं। शॉर्ट में मॉड कहते हैं, वरना ये मॉडुलस होता है। इस ऑपरेटर का यूज करके ये प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यूजे ओपन कर लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं चेक इवन ऑड। तो ये एक हमने क्लास बना ली और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्लास बन के आ गई। डबल क्लिक किया, जब हम डबल क्लिक करते हैं तो इसका जो है एडिटर हमारे पास ओपन होके आ जाता है इस तरीके से। और इस एडिटर में जो भी लिखा हुआ है उसे हम फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम क्लास अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ पे हम वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, जो हम कर लेते हैं एक्स नाम। आपको वेरिएबल का कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्स दे दिया है। अब इस जगह पे आके हम चेक करेंगे कि जो ये एक्स है वो इवन है कि ऑड है। तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ एक्स मॉडुलस टू, क्योंकि हम टू से अगर डिवाइड करेंगे और वो नंबर का रिमाइंडर जीरो आ जाता है, क्योंकि मॉडुलस हमारे रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे अब हम जब इसको टू से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर आएगा, अगर वो जीरो के इक्वल है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे System.out.println नंबर इज इवन। तो इस तरीके से ये आ जाएगा कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो जाहिर सी बात है अगर इवन नहीं है नंबर तो वो नंबर हमारा ऑड ही होगा, क्योंकि अगर वो टू से डिविजिबल है तभी वो इवन है और डिविजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑड होगा हमारा नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक मैसेज उसी को कॉपी करके रख दिया है और इसे हमने कर दिया है ऑड। तो इस तरीके से अब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल कर रहे हैं, एक एरर आ रही है। एरर क्या है चेक कर लेते हैं। एरर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आ रहा है आइडेंटिफायर एक्सेप्टेड, यानी कि एक्स ये देखिए स्टैटिक की स्पेलिंग गलत है। कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिक की स्पेलिंग सही कर दिया है। अब कंपाइल करते हैं, ये देखिए कंपाइल हो गया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, इसे हमने बंद कर दिया। अब हमने राइट क्लिक किया, एक्स की वैल्यू पास किया कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, सेवन हमने पास किया, ओके किया। तो देखिए आगे नंबर इज ऑड, सेवन ऑड था तो ऑड इसने बता दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कौन सा नंबर ऑड है, नंबर ऑड तो नंबर नहीं आ रहा है। तो हम इसको भी यहाँ पे शो करा सकते हैं कि कौन सा नंबर ऑड है कौन सा नंबर इवन है। तो इसके लिए हमको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में जाके। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस एक्स प्लस इज ऑड और सेम यहां पे भी कर लेते हैं प्लस एक्स प्लस इज इवन इज ऑड। इस तरीके से कर लिया, कंपाइल करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आ रही। अब अगर हम यहां पे कोई भी चीज डालते हैं, जैसे जो है हमने यहां पे डाला 87, एंटर किया तो ये देखिए आ रहा है नंबर 87 इज ऑड। अब अगर हम इसे इवन कोई नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे हमने कहा 66, ओके तो सिक्स नंबर 66 इज इवन। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं जहां पर
हम ये चेक कर सकते हैं कि एक गिवन नंबर हमारा गिवन है कि ऑड है। इसको अगर हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, जीरो की जगह वन कर दें तो यहाँ पे हम लिख दें ऑड और यहाँ पे हम लिख दें इवन। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को कर सकते हैं, कंपाइल करते हैं। अब भी हम अगर देखेंगे तो हमारा आउटपुट गलत नहीं आएगा, अभी भी अगर हम देखेंगे तो हमारा आउटपुट गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही आएगा। 89 हमने किया, ये देखिए नंबर 89 इज ऑड। अब इस तरीके से आप प्रोग्राम बना के बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि नंबर इवन है कि ऑड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।